Assalamu alaikum viewers, hopefully this video will find you in good health and spirit. So let's talk about today's content. So today we will discuss about multi-dimensional arrays, declaration of two-dimensional arrays, access data in two-dimensional array, and initializing table. So let's start from the first one, multi-dimensional array. So multi-dimensional array is an array more than one array, also known as a table or matrix. So what we have in multidimensional arrays, we have rows and column both. The horizontal line is called row and the vertical line is called column. Or isko jo hai na hum टेबल आर मैट्रिक्स फॉर्म भी बोल सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे को. और जब एरे एक एरे जो है ना मोर देन वन डायमेंशन एरे वन डी एरे हो तो हम उसको मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं. फिर उसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे आर मल्टी डायमेंशनल एरे. तो टू डायमेंशनल एरे इज डिक्लेयर बाई गिवन टू इंडेक्सेस वैल्यू एंड क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट. तो जिस तरह हम वन डायमेंशनल एरे में एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के उसके अंदर एरे का साइज बता देते हैं, तो यहाँ पर दो होंगे, एक रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए. तो जैसा कि आप नीचे देख सकते हो कि एंट उसके डेटा टाइप ए बी सी हमारी टू डायमेंशनल एरे का नाम और 12 रोज और 3 कॉलम. तो इसका मतलब है कि हमारे पास 12 रोज और 3 कॉलम है, तो उसमें से कितने एलिमेंट आएंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 36 एलिमेंट. उसके बाद आ जाता है एक्सेसिंग डेटा इन टू डायमेंशनल एरे. तो हम डेटा किस तरह एक्सेस करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे में, तो डेटा जो है ना वो एंटर होता है इंडिविजुअल टू डायमेंशनल एरे में. और ये रेफरेंस मतलब हवाला इंडेक्स के से जो है ना ये रेफरेंस होता है इसका. डेटा इज़ रिट्रीव फ्राम एन एरे फ्राम इंडिविजुअल एलिमेंट. हम डेटा जो है ना वो रिट्राइव भी कर लेते हैं रैम से इंडिविजुअली, और ज़्यादातर हम इसके लिए नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं. अब इनिशियलाइजिंग टेबल क्या है, असाइन वैल्यू टू द एलिमेंट ऑफ अ टेबल एंड देन टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन आई डी डिक्लेरेशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजिंग ऑफ द टेबल. रन टाइम की मौके पर जब हम रन टाइम से पहले हम उसको जो वैल्यू असाइन कर देते हैं उसको हम इनिशियलाइजिंग बोलते हैं. और नीचे एग्जांपल भी दिया गया है, एंट ए बी सी एंड टू थ्री, अगर स्क्वायर ब्रैकेट तक हम लिखे तो ये डिक्लेरेशन हो गई, अगर उसमें से हम वैल्यू डाले तो ये डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजिंग दोनों हो गए. तो ज़्यादातर हम इसको इनिशियलाइज बोलते हैं. तो इसमें से टू थ्री टू जो है ना वो रोज़ है नंबर ऑफ रोज़ एंड थ्री जो है ना वो कॉलम है. तो वन टू थ्री एंड फोर फाइव सिक्स ये हमारे रो हो गए, और कॉलम में वन टू थ्री एंड फोर फाइव सिक्स वर्टिकली जो है ना इस तरह आएंगे. तो चलते हैं इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं. First program is to input load type of data having 5 rows and 4 columns, and then we have to find maximum number entered in the table. So we have rows, columns and maximum number, and we declare our array of load type having 5 column and 4 rows. So it is a declaration. Now as you can see we have nested loop. The first loop is for columns and column is less than 4, so our index start from 0. So we have 4 columns, and then the inner loop have for rows, so less than 5. It means we have 5 rows. So the next task is to enter data in our table.
So up to now I just print the following line. So what is in it? I just print the indexes 0 and 0, फिर 1 and 0, फिर 1, फिर 1 और नहीं सॉरी हमारा कॉलम जो है ना वो 0 रहेगा और रोज़ में जो है ना वो इंक्रीमेंट होता चला जाएगा और फिर ये जब लूप ख़त्म हो जाएगा तो इस वाली लूप पे आएगा तो कॉलम जो है ना वो 1 हो जाएगा और ये सारे जो है ना ये कॉलम्स और रोज़ को मैं सिर्फ प्रिंट करा रहा हूँ इन ये जो कमेंट मैंने की इन दोनों के अंदर तो देखते हैं कि क्या प्रिंट होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसने जो है ना 0 एंड 0, 0 1, 0 2, 0 3, 0 4 फिर जो है ना 1 कॉलम जो है ना 1 रो जो है ना वो हमारा स्टार्ट पहला 0 रो था फिर 1 रो हो गए फिर 2 रो हो गए फिर 3 रो हो गए और इसी तरह जो है ना कॉलम भी इसमें से भी इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है। तो अब इसमें से हम ये सारे इंडेक्स है कि 0 0 पे क्या है 0 1 पे क्या है 0 2 पे क्या है तो इसको हम एक और मेथड से भी देखते हैं कि इसको अलग अलग लिख लेते हैं कि ये कॉलम है और ये रो। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने सिर्फ इस अंदाज़ में चेंज कर दिए जबकि पहले जो है इनके दरमियान कामास था इधर अब ये अलग अलग इंडेक्स है। सो लेट्स स्टोर सम डेटा इन आवर मैक्स एरे। नाउ आई राइट द सी एन स्टेटमेंट। सो इट्स आवर एरे नेम रोज एंड कॉलम में जो है ना COLUMNS तो इसमें से सी एन करा दो डेटा। नाउ एज यू कैन सी इट्स रिक्वायर्ड सम डेटा सो आई विल पुट इट 1.6, 1.6, 2.3, 2.4. नाउ एज यू कैन सी इसने जो है ना पूरा डेटा वो स्टोर करा दिया है लेकिन अभी तक हमने उसको प्रिंट नहीं कराया तो वो भी देख लेते हैं। हमने सिर्फ सी एन की है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसको आप प्रिंट किस तरह करेंगे वो भी देख लेते हैं। So as you can see here, the whole data is printed out. तो अब हम अपने असल टास्क की तरफ आते हैं कि हमने मैक्सिमम नंबर जो है ना वो फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये लाइन जो है ना वो मिटा देंगे क्योंकि हमने चीज़ों को प्रिंट नहीं करना। और क्या कर लेंगे, हमने चीज़ें कंपेयर करनी है ना एक दूसरे के साथ। तो एक थर्ड वेरिएबल हम ले लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने जो है ना मुझे मैक्सिमम डेटा जो है ना वो शो करा दी है। मैक्सिमम डेटा इज 33 जबकि ऊपर मैंने 33 सारा जो है ना इंटीजर टाइप का लिया क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल था फ्लोट टाइप का डालना। तो फ्लोट टाइप का डालना थोड़ा सा मुश्किल था तो मैंने इंटीजर टाइप का डेटा जो है वो स्टोर करा दिए। तो कुछ भी नहीं किया, वो दोनों लूप लगाई है प्रिंट करने के लिए जो हमने लूप लगाया था। यहाँ पर आपने मैक्सिमम पॉइंट करना चाह रहा हूँ तो एक वेरिएबल जो हमने ऊपर लिया था मैक्सिमम का, अब उसमें से मैंने वो वाला अपना जो एरे है वो इनिशियलाइज कर दिया और उसके इंडेक्स 0 0 रख दिए। फिर मैंने कहा कि अगर मैक्सिमम में जो है ना फिलहाल डिफ़ॉल्ट 0 है तो अगर 0 जो है ना वो इन दोनों इंडेक्स में से 0 रो और 0 कॉलम पे जो है ना अगर वो डेटा इनसे बड़ा है तो मैक्सिमम के अंदर वो वाला डेटा डाल लो जो रोज़ और कॉलम के अंदर जो है। और इसी तरह जो है ये लूप चलता चलेगा और एफ कंडीशन के अंदर वो चेक होता चला जाएगा। तो फिर मैं दोबारा जो सारे अगर जो है ना वो चेक हो गए मैक्सिमम के साथ तो उसके बाद मैंने उसको प्रिंट करा दिए।
तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सबसे नीचे जो है ना, मैंने सबसे बड़ा वाला डाटा जो है ना वो डाल लिया और इसने मुझे नीचे वो दिखा दिए। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।